सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो कौन सा क्वेश्चन आया है। डिस्टेंस ऑफ द टू प्लेनेट फ्रॉम द सन दिया हुआ है, ठीक है, दो प्लेनेट है, द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड पूछा तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ क्या होता है पढ़ के आए हो ना, केपलर थर्ड लॉ टी स्क्वायर इक्वल टू आर की पावर क्यू, सारे बच्चे पढ़ के आए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से ये सन है, ठीक है, ये एक अच्छा सा सन है, ठीक है, इसके अराउंड दो प्लेनेट है, ठीक है, दोनों प्लेनेट अलग अलग ऑर्बिट में है ये, ठीक है, इसके अराउंड दो प्लेनेट है। डिस्टेंस ऑफ द टू प्लेनेट, एक प्लेनेट 10 की पावर जो दूर है वो 10 की पावर 13 मीटर है और ये 10 की पावर 12 मीटर है, ठीक है, इतना मीटर, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है। द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड, इनका टाइम पीरियड का रेशियो निकालना। चलो इसको मैं R1 मान लेता हूँ और इसको मैं R2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड मतलब इसका T1 अपन T2 का पूछ रहा है, दैट इज T1 अपन T2 इज इक्वल टू R1 अपन R2 की पावर 3/2, यही तो होगा भाई, R1 10 की पावर 13 और 10 की पावर 12 का 3/2, तो कितना होगा, ये 10 की पावर 10 बचेगा और 3/2, 10 की पावर 3/2 का क्या मतलब होता है, 10 root 2, 10 root 10, ठीक है, दैट इज बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, है ना, आसान क्वेश्चन।